हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टैली डिजिटल क्लास। दोस्तों, फिर से एक और बार मैं आपका इस चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम सीखेंगे स्टेट सेम 5 चैप्टर नंबर 2 सम नंबर 14 और उसका पेज नंबर है 55। ये देख लीजिए। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। ये हमारा तीसरा लेक्चर है। अगर आपने अभी तक हमारे पहले दो लेक्चर नहीं देखे तो प्लीज़ उसे देख लीजिए। चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले दोस्तों, मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में आते बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि ऐसी ही नई नई अपडेट्स आपको मिलती रहे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। आज का इस वीडियो लेक्चर है स्टेट सेम 5 चैप्टर नंबर 2 और सम नंबर 14 पेज नंबर 55। तो देख लीजिए, यहाँ पर हमें कहा गया है, ये सम नंबर हमारा है, सम नंबर 14। ये कहा गया है कि एक्स ए एओ पोजिशन चल से जेमा P3 बराबर P4 साबित करो और कहा गया है कि P2 इज इक्वल टू 8 × −4 घात। यह हमें ढूंढना है। तो चलिए दोस्तों, सम के शुरुआत करते हैं। ये जो सूत्र है वो आपको याद कर लेना है, बराबर ध्यान से याद कर लेना है। ये सूत्र है प्रॉप एक्स बराबर E − M इंटू एमनी एक्स घात अपॉन एक्स फैक्टोरियल। तो हमें क्या ढूंढना है, सबसे पहले P3 देना है, पहले P3 और फिर उसके बाद P4। एक्स की जगह पे पहले 3 लेंगे, उसके बाद फिर हमें 4 लगेंगे। तो सबसे पहले एक्स की जगह पर हम 3 रखते हैं तो प्रॉप 3 इज इक्वल टू E − M घात एमनी एम, यहाँ पर एक्स है, यहाँ पर एक्स है तो एक्स की जगह पर हमने 3 रख दिए, अपॉन यहाँ पर भी एक्स है तो यहाँ पर भी हमने 3 रख दिए, तो अपॉन 3 फैक्टोरियल। तो E − M एमनी 3 घात अपॉन ये 3 फैक्टोरियल है तो ये हमारा इसी तरह आंसर आएगा। ये देख लीजिए दोस्तों, 3 × 2 × 1 तो 3 × 2 = 6, 6 × 1 = 6, तो हमारा टोटल आंसर आएगा 6। तो ये हमारा आया आंसर 6। अब ये देख लीजिए, मैं आपको बता देता हूँ। अब आपको पहले P4 ढूंढना है, P4। तो सूत्र के अंदर x की जगह पर हम यहाँ पर इसे 4 रख देते हैं तो E − M × M4 / 4 फैक्टोरियल। तो देखिए, E − M × 4 अपॉन यहाँ पर 4 फैक्टोरियल है तो हम कैसा लेंगे, 4 × 3 × 2 × 1, तो ये हमारा हो जाएगा 4 × 12 = 24 × 24 = 24। तो ये आंसर आया हमारा 24। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम दोनों का चौकड़ी गुणाकार करेंगे इन दोनों का। ये हमारा आंसर आया है, ये और ये दोनों का हम क्या करेंगे, चौकड़ी गुणाकार करेंगे। तो देखिए, ये 24 है, ये 24 को हम यहाँ पर ऊपर ले जाएंगे, यहाँ ऊपर हम यहाँ पर रख देंगे तो क्या होगा, 24 यहाँ ऊपर आ जाएगा और इज इक्वल टू ये जैसा था वैसा ही हम इसे रहने देंगे, E − M × M·4। ये अंश में था तो इसको हम, ये छेद में था तो इसको हमने अंश में रख दिया। ठीक है, और ये जो था इसको हमने अंश में था तो इसको हमने यहाँ पर छेद में रख लिया। इसी तरह ये जो, इसे तो ऐसा ही रहने देंगे हम, और ये जो है इसको हम अंश में ही रहने देंगे। ठीक है, तो हमारा ये 24 × 6 इज इक्वल टू E − M·4 / E − M·3। तो ये दोनों को हम उड़ा देंगे तो 24 / 6 है तो 6 × 6 = 6 / 6 = 24।
तो ठीक है, ये उड़ गया तो हमारा ऊपर कितना बचा, चार। तो ये हमारा ऊपर चार बचा। इसी तरह ई माइनस एम नी चार घात और ई माइनस एम नी थ्री घात, नीचे तीन घात है और ऊपर चार घात है, तो कितना बचा, सिर्फ हमारे पास एक बचेगा, तो एक एक एम बचेगा हमारे पास। ठीक है, तो एम एक एम है तो एम ही लिख दो सिर्फ, तब भी चलता है। तो यहाँ पर चार बचा और यहाँ पर एक बचा, तो हम क्या करेंगे, ये हमारा लास्ट में जो आंसर है वो आ गया एम बराबर चार। ठीक है दोस्तों, ये पूरा कंप्लीट हो चुका। इसके बाद हमें यहाँ पर साबित करना है, हमें यहाँ पर साबित करो पी टू इज़ इक्वल टू एट ई माइनस फोर का। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सूत्र रख देते हैं, पी एक्स इज इक्वल टू ई नी माइनस एम घात इन टू एम नी फोर एम नी एक्स घात अपॉन एक्स फैक्टोरियल। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर हमने थ्री लिखा था, एक्स की जगह पर हमने थ्री और फोर लिखा था। अब हमें क्या करना है, ये हमें साबित करना है, साबित हमें क्या करना है, ये वाला करना है। तो इसकी जगह क्या है, एक्स की जगह पर टू है, तो अब हमें टू रखना है एक्स की जगह पर। तो देखिए पी टू इज इक्वल टू ई नी माइनस एम घात एम एम नी, ये एम नी एक्स घात है तो हमने यहाँ पर एम नी टू घात लिख दिया, अपन एक्स फैक्टोरियल है तो यहाँ पर हमने लिख दिया टू फैक्टोरियल। तो हम लिखते थे एम, एम हमारा कितना आया, ये माइनस एम ऊपर दिख रहा है उतना हमारा क्या आया, ये ऊपर देख लीजिए, ये ऊपर एम क्या आया हमारा, ये एम आया हमारा, तो हमने एम की जगह पर चार रख दिया। और ये हमारा एम, यहाँ पर भी हमने इसे चार रख देते हैं और अपन नीचे टू फैक्टोरियल, तो फोर यहाँ पर है, फोर नी बे घात, तो चार गुणिया चार, चार की दो घात है, तो हम क्या करेंगे, चार फोर इंटू फोर, तो हमारा आंसर आ जाएगा सिक्स। ठीक है, अरे सॉरी शॉर्ट सिक्सटीन हमारा आंसर आ जाएगा। अब ई नी माइनस फोर घात ऐसा के ऐसा ही हम रहन देंगे, और हम क्या करेंगे, ये सोलह सोलह आंसर हमारा आ गया। इसके बाद हम क्या करेंगे कि ये देखिए, ये लास्ट में ई माइनस एम, एक मिनट में आपको प्रॉपरली समझा देता हूँ, ई माइनस एम इंटू सिक्सटीन अपॉन टू, ये हमारा बचा हुआ है। अब इसको हम यहाँ से इसे कैंसिल कर देंगे और इसको हम यहाँ से कैंसिल कर देंगे, तो हमारा क्या आंसर आ जाएगा, आठ। ठीक है, तो ये हमारा आठ बचा हुआ है, और ये आठ और ई माइनस एम, एम की जगह पर कितना है, चार है, तो एम की जगह पर मैं यहाँ पर चार लिख देता हूँ। रुकिए दोस्तों, थोड़ा वेट कीजिए, ये एम की जगह पर माइनस माइनस चार, ई माइनस फोर इंटू सिक्सटीन अपॉन टू, तो ये दो गया और ये भी उड़ गया, तो हमारे पास कितना बचा, आठ। तो हमारा लास्ट आंसर क्या आएगा, लास्ट आंसर हमारा आएगा एट माइनस फोर घात ई माइनस फोर घात, ये हमारा लास्ट आंसर आ जाएगा। तो ये हमारा यहाँ पर साबित हो चुका है कि एट ई माइनस फोर घात प्रॉप पी टू बराबर ई माइनस फोर घात, ये हमारा दोस्तों लास्ट में आंसर आ जाएगा। ये दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट था आपके लिए, बी कॉम सेम फाइव के लिए। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, और इस चैनल पर पहली बार आए तो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं ऐसे ही कुछ इंपॉर्टेंट वीडियो के साथ।